السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمانك أهل إيمان سے خطاب اس عنوان سے هم يدروس جاري رہے और ये सीरीज़ चल रही है और अब तक अल्लाह व का तहल ईमान के नाम क्या खिताब रहा उसके तल्लु से कई आयतें गुजर चुकी हैं आज के दरस में एक आयत और हम ऐड करेंगे एक आयत का और इजाफ़ा करेंगे सरे बकरा की आयत नंबर 208 है और साथ में 209 भी शामिल कर लें अबान तरमायादी फिलहत अदूमबीन

फल फिर भी अगर तुम हिदायतों के आने के बाद बैनात के आने के बाद गुमराह हो जाते हो फिसल जाते होज़ुल हकीम तो इस बात को याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर गालिब है और हकमत वाला है अल्लाह रबुलाबी ने इस आयत में या इन दोनों आयात में हमें दो चीज़ें बयान फरमाईं एक ऐसी चीज़ जिसका हुक्म दिया है और एक ऐसी चीज़ जिससे अल्लाह व तआला ने मना किया है इन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नजात का रास्ता बताया है और एक हलाकत और गुमराही का रास्ता बताया है नजात का रास्ता क्या है अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल फरमायादीन दुखुलू इसलमी सिल्मी काफा ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ अगर कोई शख्स इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाता है उसके तमाम अहकाम पर अमल करता है इस्लाम के किसी हुक्म को किसी भी वजह से छोड़ता नहीं है तो वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान हैं और पूरा का पूरा मुसलमान है और उसका फ़ायदा क्या होगा ये तरीक़ नजात कैसा है अल्लाह रबलबी ने फ़रमाया बला मन असलम वजह लाही व महसिन फ़लू अजरू इंद रब आन कि जो शख्स भी अपना चेहरा अल्ला सुबहान तौ की तरफ कर लेता है सही मानों में मुसलमान हो जाता है मन असलम वजह ला वहूआ महसिन इस हाल में कि वो हर अमल इतकान के साथ करता है हर अमल पुख्तगी के साथ करता है इस्लामी अहकाम पर मजबूती के साथ अमल पैरा हो जाता है फ़ल हु रबल ने फरमाया कि उसके रब के पास उसका अजर तैयार है वलो फुन आलिजनून और ये ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही ये कभी किसी गम के शिकार होंगे तो ये तरीके नजात है ये नजात का रास्ता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाए यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होने को क्यों कहा गया दरअसल इस आयत का एक शान नज़ूल है एक सबब नज़ूल है जो मुफसरीन ने बयान किया है मिसाल के तौर पर एकमा ने जैसा कि तफसीर तबरी में है वो बयान फरमाते हैं कि वो मुसलमान जो पहले यहूदी थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें से बाद लोग जैसे अब्दुल्ल्या बिन साम और रज़ील् तैन हूँ सालबा रजील् तैन इब्न यामीन असद अबिन क़़ उसैद इबन क़ाब इन जैसे वो सहाबे कराम जो पहले यहूदी थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करने के बाद इन लोगों ने चाहा इन लोगों की ख्वाहिश ये थी कि हम यहूदियत की वो चीज़ें जो पहले किया करते थे और इस्लाम में साफ़ तौर पर उससे मना नहीं किया गया है हम उसको भी करते रहेंगे मिसाल के तौर पर यहूद के यहाँ ऊंट का गोश्त खाना हराम था तो उन्होंने कहा कि ऊंट का गोश्त खाना ज़रूरी और वाजिब तो नहीं है अगर हम ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दें तो फिर हमारे इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लिहाजा हम ऊंट का गोश्त नहीं खाएंगे इसी तरह से यहूद के यहाँ हफ्ते के दिन की तज़ीम होती थी क्योंकि अल्लाह व तआला ने उनको हफ़्ते के दिन की तज़ीम करने का हुक्म दिया था उस दिन शिकार वगैरह करने से मना किया गया था तो इन जैसे सहाबे कलम ने कहा कि हम हफ़्ते के दिन की तज़ीम करेंगे उसमें बुरा क्या है उसमें गलत क्या है क्योंकि हफ़्ते के दिन की तज़ीम करने या ना करने के तल्ल से इस शरीत में उमत महमदिया में कोई वाज हुक्म नहीं आया है और ये एक ऐसा हुक्म है कि जिस पर हमने अमल कर लिया तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी इसी तरह से एक चीज़ ये भी थी अब्दुल्ला बिन सलाम रदी तेियों ने नबी सल्ह वसलम के सामने ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि तोरेत की जो बाज़ आयात हैं बाज़ आयात को हम कयाबुल में तलावत किया करें फ़र्द नमाज़ों में नहीं कयामैल में हम उन आयात की तिलावत करेंगे क्योंकि वो आयात भी आसमानी आयात आयात हैं वो भी अल्लाह सुबह की तरफ़ से नाजिल करदा किताब है तो इस तरह से चंद चीज़ें थी जिन चीज़ों को वो बाकी रखना चाहते थे जिन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे जो यहूदियत की चीज़ें थीं इस्लाम की चीज़ें नहीं थी और इस्लाम में वाज तौर पर साफ़ तौर पर मना भी नहीं किया गया था इस वजह से उन्होंने कहा कि हम अगर इसको कर लेते हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं तो जब उनका ये मुतालबा हुआ और उनकी जब यह गुजारिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल फ़रमाई और फरमाया या अय्युहल फरमायादीन आमन उदरूफल काफ़ा अय वो लोगो जो ईमान ले करके आए पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम्हारे लिए सब कुछ इस्लाम है तुम्हारी पहली शरीयत क्या थी तुम्हारा पहला मजहब क्या था तुम्हारा पहला कानून क्या था उससे कोई लेना देना नहीं जब मुसलमान हो गए तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम की बातें करनी है इस्लाम में जिन चीज़ों की तज़ीम करने को कहा जाए उन्हीं की तजीम करनी है जिन चीज़ों से मना किया जाए उन चीज़ों से रुक जाना है जिन चीजों का हुक्म दिया जाए उन पर इस्तात के मुताबिक अमल दरआमद करना है तो ये सारी चीज़ें इस्लाम के साथ जुड़ी हुई हैं आपका पुराना मजहब क्या था उस मजहब का यहाँ पर कोई भी अमल दखल नहीं होना चाहिए और साथ में अल्लाह अल्ला ने उन लोगों को ये भी कहा तबी खतवा इस शैतान के देखो तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो मतलब इसका यह है कि इस तरह के जो वसवसे आ रहे हैं इस तरह के जो ख़्याल आपके जहन में आ रहे हैं ये शैतान की जानब से हैं ये शैतान आपको अगवा करने का काम कर रहा है आपको गुमराह करने का काम कर रहा है मुसलमान होने के बावजूद आपको इस हलाकत की तरफ लेकर के जाना चाहता है यहाँ पर जो खतवा शैतान कहा गया कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो इसी मुनासिबत से कि शैतान क़दम कदम पर आपको गुमराह करता है सबसे पहले क़दम पर आपको गुमराह करेगा मिसाल के तौर पर इस्लाम कबूल करने में इस्लाम कबूल करने नहीं देगा इस्लाम के तल्लुक से ऐसे वसवसे और ऐसे ख्याल आपके जहन में पैदा करेगा कि आप इस्लाम कबूल ना करें फिर अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया और वहाँ पर उसका बस नहीं चला वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका तो वो सेकेंड स्टेप में आएगा वो फिर यहाँ पर आ के इस्लाम आपने कबूल कर लिया है इस्लामी अहकाम में से कुछ मान लो कुछ ना मानो इन चीज़ों के ताल्लुक से आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा यहूद के साथ यही हुआ यहूद ये यह कहा करते थे कि नकमिन बिबाक फुरु फुरबाक हम बस चीज़ों पर ईमान रखते हैं और बस चीज़ों का इनकार करते हैं ये शैतान का ख़ुतवा है यह शैतान की चाल है अल्लाह सुबहान तहब कराम को जो यहूदी से इस्लाम में दाखिल हुए उनको आगाह किया और कहा कि ये शैतान की चालें हैं ये शैतान तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहता है शैतान तुम्हें गुमराह करना चाहता है लिहाजा ला तबी ख़ुतवा शैतान शैतान के कदमों की पैरवी मत करो और क्यों ना करो लकुम नहूलकुम मुबीन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है यानी ऐसा दुश्मन है जिसकी दुश्मनी बिल्कुल जग ज़ाहिर है उसमें किसी भी किस्म का शक नहीं है किसी भी किस्म का शुभ नहीं है वो ऐसा तुम्हारा दुश्मन है और उसने अपनी दुश्मनी हज़रत आदमी सलाम के सामने जाहिर की हज़रत आदमी सलाम को गुमराह करने की कोशिश की हर आदमी सलाम को गुमराह किया तो उसकी दुश्मनी का मामला वहाँ से चलता चला आ रहा है लिहाजा वो तुम्हारा दुश्मन है फतख हुआ अदू हुआ उसको दुश्मन समझो अफसोस की बात यही है कि अल्लाह अबी ने जब ये बयान कर दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है फिर भी इंसान शैतान को दुश्मन मानने को तैयार नहीं है बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो शैतान को अपना दोस्त बना करके चल रहे हैं हर वो काम करते हैं जिसका शैतान उन्हें हुक्म देता है हर उस चीज़ के पीछे भागते हैं जहाँ ख्वाहिशा नफसानी उनको ले करके जाने की कोशिश करती है ये शैतान का दोस्त बनना है शैतान को दुश्मन समझना नहीं हम सब की आफ़ियत इसी में है कि हम शैतान को दुश्मन समझ करके उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करें इसलिए अल्लाह सुबहान तौर ने आगे वईद के साथ और तहदीद के साथ और धमकी के अंदाज़ में अल्लाह ने फरमाया फ़िन सल तुम्बा दाजा अद को मलबैना तुम्हारे पास हिदायतें आ गई तुम्हारे पास कुर करीम मौजूद है कुरान की आयात मौजूद हैं नबी अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं सारे अहकाम खुले तौर पर मुफसल अंदाज में बयान किए गए इन सब चीज़ों के बावजूद अगर तुम गुमराह हो जाओ तो फिर अल्लाह सुबहानहु व का तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा फ़ालमू तुम्हें ये जान लेना चाहिए अन्नल्लाह अजीजुन उन हकीम के अल्लाह सुबहान तालिब है यानी वो तुम्हें सज़ा दे सकता है तुम्हें आदाब दे सकता है हकीम उन वाला भी है कि कब सज़ा देना है कब आदाब देना है और कब नहीं देना है तो महतरम नाज्रेन आपने मुशाह किया कि ये आयत कितनी अहम है अल्लाह सुबह तूहदीन आमनु कह करके हम सब को इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाने का हुक्म दिया इसी इस्लाम में हमारी भलाई है ये इस्लाम ऐसा मज़हब है जो ज़िंदगी के हर मरहले में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाता है हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने को आसान बना देता है अल्लाह के रसूल सल्ला व फ़रमायादी युसर वीन अहदा कि दीन बहुत आसान है और अगर कोई शख्स दीन से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा दीन को अपने अतदा करने की कोशिश करेगा दीन में मुबालगा करने की कोशिश करेगा अला गहू दी उसके ऊपर गालिब आ जाएगा वो दीन के ऊपर गालिब नहीं आ सकता और दीन उसके ऊपर गालिब आने का माना यह है कि वो शख़्स दीन से मुतनफ़िर हो जाएगा वो शख्स दीन से फिर जाएगा वो शख्स दीन से नफरत करने लगेगा वो शख्स दीन से दूर हो जाएगा लिहाजा हम सबको ये चाहिए कि हम इस्लाम को आसान समझते हुए अल्लाह रब्बालबी और उसके रसूल सल्ला वसलम के बयान करदा अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें अपनी तरफ से चीज़ों को ईजाद करना अपनी तरफ से इबादत के नए नए तरीके बनाना ये सारी चीज़ें खतवा शैतान में से हैं और ये हलाकत का रास्ता है यहाँ एक अहम बात आप इस आयत की मुनासबत से देखें कि अल्लाह रब्बालबी ने हम सबको इस्लाम का पाबंद बनाया और इस्लाम के अहकाम ही इतने हैं कि अगर इंसान उनकाम पर अमल करने की कोशिश करने लगे तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी काफ़ी और पूरी ज़िंदगी बल्कि ये कह सकते हैं कि उसको पूरी ज़िंदगी उसकी गुजर जाएगी इस्लाम के तमाम अहकाम पर अमल नहीं कर सकता तो जब इतने अहकाम इस्लाम के ही हैं और हम मुसलमान होना चाहते हैं मुसलमान हो करके हम कामयाब होना चाहते हैं तो फिर अब हमारे लिए कैसे गुंजाइश है कि हम नई नई चीज़ें ईजाद करें लेकिन उसके बावजूद हमने नई नई चीज़ें ईजाद कि बहुत सारे रस्म व रवाज हमने ईजाद कर लिए वो रस्म व रवाज जो हमारे यहाँ पहले से चले आ रहे थे जब हमारे आबा और अजदाद अगर इस्लाम पर नहीं थे तो उन लोगों ने जो चीज़ें शुरू की थी आज हम उसको बाकी रखना चाहते हैं हमारे घर वालों ने जो चीज़ें शुरू की थी आज हम उसको बाकी रखना चाहते हैं हमारे रिश्तेदारों ने जो चीज़ें शुरू की थी आज हम उसको बाकी रखना चाहते हैं जितने भी रस्म व रिवाज हों चाहे शादी ब्याह के मौके पर हों या घर के अफ्ताह के मौके पर हों या बच्चों की पैदाइश के मौके पर हो जितने भी मौाक़े हैं उतने हिसाब से मुनासबात हैं और उतने हिसाब से रसूम रिवाज हैं लिहाजा सही इस्लाम यही है कि उद खुलफलमिक मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और ये जितने रस्म व रिवाज हैं सब का बायकाट करो ये रस्म व रिवाज हमारी जिंदगी को तंग बनाने वाले यह रस्म रिवाज़ हमारी ज़िंदगी को मुश्किल में दाखिल करने वाले हैं ये रस्म व रिवाज हम सबको इस्लाम से दूर करने वाले इस्लाम से मुतनफिर करने वाले हमारे नबी जनाब महमद सल्लल्लाहु सल्ला वसलम इस दुनिया की तरफ जो भेजे गए थे आपके भेजे जाने के अहम मकासद में से एक ये था कि वन कि नबी अलैहि वसल्लम उन सारे बोझ को और उन सारे रसूम और रिवाज को हमारे कंधों से उतारने के लिए आए थे जिनको हमने अपनी कंधों पर डाल लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूम और रिवाज से हमें पाक किया है रस्म वही है जिसको शरीयत रस्म कहें रिवाज वही है जिसको इस्लाम रिवाज कहें लेकिन अपनी तरफ से मौजूदा जो रिवाज है रसूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब को ख़त्म करने के लिए भेजा उनको हमारे कंधों से उतारने के लिए भेजा फिर अगर हम उन रसूम और रिवाज को अपने कंधे पर डाल लें तो क्या होगा हमारा कंधा बोझल हो जाएगा और फिर हम इस्लाम के अहकाम पर अमल नहीं कर सकते इस्लाम के अहकाम की तरफ अपने दिल को हम नहीं लगा सकते लिहाजा हमारे लिए नजात का रास्ता यही है कि उद खलूफ़ी सिल्मिकफह देखो इस्लाम में क्या है इस्लाम में जो चीज़ है उसको अपनाने की कोशिश करो इस्लाम में जो चीज़ नहीं है उससे अपने आप को आज़ाद समझो अल्लाह आलमीन ने आपके दीन को आसान किया है व लात तबीयन ख़तवा शैतान और शैतान के कदम की पैरवी कभी भी ना करो तो ये या अय्युहल लदीन आमनु के ज़रिए से एक खिताब है और एक अहम खिताब है कि अल्लाह आलमीन ने इसमें हमें इस्लाम में दाखिल होने और शैतान की पैरवी ना करने का हुक्म दिया है हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो हमारे लिए या अय्युहल लदीन आमनु के ज़रिए से ख़िताब हैं والسورة بقراكي ایک اور آیت ہے اية نمبر 267 هي اية نمبر 267, 267 الله رب العالمين فرما يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخديه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد ये जो आयत है इस आयत के मफहम में एक और आयत है मैं उसको भी एड करके दोनों आयतों की तफसीर एक साथ पेश करूँगा सुल बकर ही की आयत है आयतुलकरसी से पहली वाली आयत उस में अल्लाबाअल ने फरमायादी अल्लाह ने सायद में फरमायादी आम अः वो लोगों जो ईमान लेकर के आए अनफ़ोम जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो बिन कबल कबल इसके कि वो दिन आ जाए लाबईनफी ही वाला खुलतु वाला शफा जिस दिन ना तो कोई ख़रीदो तो फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई शफात यानि ना ही कोई सिफारिश काम आएगी वल क्या फिर और काफिर ही ालिम लोग हैं آیت, پڑھی, فرمایا, जो दूसरी आयत यानी जो पहले मैंने पढ़ी उस आयत का तर्जुमा क्या ने फरमाया ए योहलिन आमनफिको मन तयबाती माँ का सब तुम एमान वालों ऐ वो लोगों जो ईमान ले करके आए वो पाकिज़ा रोज़ी वो तयब रिस्क जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से ख़र्च करो अनफिको मन तयबाती माँ का सब तुम वमी माँ मडल अर्थ और हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए गले निकाले हैं उन गलों में से भी अल्लाह रबीन के राह में खर्च करो वदातय मबुल्खबी समिन हतफिकून और तुम जब अल्लाह रबालबीन के राह में खर्च कर रहे हो तो ऐसा फासिद माल ऐसा खबीस माल ऐसा बेकार माल अल्लाह रबालबी के राह में खर्च मत करो कि जिसको तुम खुद भी लेने वाले नहीं हो वला तयम ममोल ख़बी समिन हतनफ़िकून वलस तुम बे आखिरी हीतुग में दोफ़ी कि जिस फ़ासद माल को तुम खुद लेने के लिए तैयार नहीं हो यह कि तुम चश्म पोशी अख्तियार करो यानी थोड़ा तनजुली का शिकार होकर के अगर उसको लेना चाहो तो ले सकते हो वरना ये जो माल है ये माल तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते

ज़क़ात इसको भी इन्फाक फी सभी कहा जाता है आम सदक़ात इसको भी इन्फाक फी सभी कहा जाता है घर वालों के ऊपर यानी बीवी के ऊपर जो खर्च करें उसको भी इफ़ाक़ फी सभी कहा जाता है बच्चों के ऊपर जो ख़र्च करें उसको भी इफाक फी सभी कहा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में यानी अगर हम रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करें तो उसको भी इन्फाक़ फ़ी सभी कहा जाता है अलगरत जितना भी आप सिद दिल के साथ इखलास के साथ आप खर्च करेंगे वो इन्फाक फी सभी है और उन्हीं तमाम ख़र्च का हुक्म अल्लाह सुबहान इन दोनों आयत के अंदर दिया है और साथ ही साथ कुछ अहम बातें बताएँ पहली चीज़ ये बताई कि आप खर्च करें कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिस दिन आप खर्च करने की ताकत नहीं रखेंगे जिस दिन ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त तो होगी ना कोई दोस्ती काम आएगी ना कोई शफात काम आएगी ना कोई सिफारिश काम आएगी उस दिन आपका खर्च किया हुआ माल ही आपके काम आएगा अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया कि इंसान जो माल कमाता है इंसान बोलता है ना कि हादसा माली 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 ये मेरा माल है ये मेरा माल है ये मेरा माल है तो रबी सरातराब ने फरमाया कि तुम्हारा माल है क्या आपने कहा कि तुम्हारा माल तीन किस्म का है चौथी किस्म का माल तुम्हारा माल नहीं पहली किस्म का माल तुम्हारा माल वो है जिसको तुमने खाया और खा करके हजम कर दिया है तुम्हारा माल है तुमने फ़ायदा उठाया उससे तुम्हारा माल दूसरी किस्म का माल वो है जिसको तुमने पहना और पहन करके पुराना कर दिया है तुम्हारा माल है इसी तरह से तीसरा जो है तसद तफ़ामगई तुम्हारा माल वो माल है जिसको तुमने सदक़ा किया अल्लाहबालबीन के राह में ख़र्च किया और उसको अल्लाह रब्लाबीन के पास सेव कर लिया ये तीन किस्म के माल तुम्हारे माल हैं बकिया बकिया तुम्हारा माल नहीं है इंसान जो सेविंग करके रखता है जो बचा करके रखता है या जिन पैसों से वो अपनी जायदाद बना करके रखता है क्या वो माल उसका माल है उसका माल नहीं है एक सेकेंड में मौत आती है मौत का फरिश्ता आता है उसकी रूह कब्ज़ करके ले जाता है जैसे ही वो इस दुनिया से जाता है उसका माल कहाँ गया कोई भी माल उसका माल नहीं रहा उसका माल वरसा के उस हिस्से में आ जाता है दूसरे लोगों के हिस्से में आ जाता है दूसरे लोगों का नाम उस माल के ऊपर चढ़ जाता है तो लिहाजा मिन कबल यूम कबल इसके कि वो दिन आए जिस दिन ना तो ख़रीदो फरोख्त तो होगी ना तो किसी किस्म की दोस्ती काम आएगी ना तो किसी किस्म की शफात यानी सिफारिश काम आएगी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करते रहना चाहिए क्योंकि यही वो ख़र्च है जो कल अल्लाह सुबहान वाली के यहाँ काम आएगा यही वो ख़र्च है जो अल्लाह अबूबी के पास सेव होगा जो अल्लाह रबूबीन के पास महफूद होगा और इंसान उस ख़र्च की वजह से ज़रिए नजात पाएगा और अल्लाह सुबहान ताल की रजामंदी को हासिल करेगा लिहाजा खर्च करते रहना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, कि अल्लाह अब्लबी ने मुझसे कहा अनफ़िक फ़िकबन आदम उनफ़ ए इबन आदम तो मेरी राह में ख़र्च कर मैं तेरे ऊपर खर्च करूंगा अल्लाह सुबहान खजाने में कमी नहीं है और अल्लाह आलमीन ने यहाँ पर हम सब से इस बात का वादा किया है कि अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह तआला हमारे ऊपर खर्च करेगा तो अनफिक तो आदम ए एबन आदम तुम तो मेरी राह में खर्च कर मैं तेरी राह में खर्च करूंगा दूसरी जो आयत है अल्लाह मिनल फरमायादी कि ए ईमान वालों जो पाकिज़ा रिस्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से ख़र्च करो जो गल्ले ज़मीन से हमने तुम्हारे लिए निकाले हैं उसमें से ख़र्च करो इस आय से भी पता चला कि जो गल्ले जो पैदावार ज़मीन में निकलते हैं अगर वो कूद की शक्ल में हो खुराक की शक्ल में हो और उनको इकट्ठा भी किया जा सकता हो उनकी ज़खीरा ज़ख़ीरादोज़ी भी की जा सकती हो उसमें से भी अल्लाह व तआला सुबह राह में ख़र्च करना है और जो लोग इस तरह से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं जो अपने पैदावार से अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में ख़र्च करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उनकी मदद करता है और आखिरत में भी उनकी मदद करता है सही मुस्लिम की रिवायत है एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक क़िस्सा सुनाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था और वो आदमी ऐसे ही किसी पहाड़ी इलाके में खड़ा हुआ था तो अचानक बादल बनने लगे और बादलों से एक आवाज़ आई इसके हदी कि अ बादल यानी कोई बादल को कह रहा था कि ए बादल तू फना के बाग़ में जा और उसके बाग को जा कर के सैराब कर जब वो नाम उसने सुना तो वो ताजुब में रह गया कि बादल को हुक्म दिया जा रहा है कि जा कर के फना के बाग को सैराब कर तो उसने उस बादल का पीछा किया उस बादल को देखा कि इसकी बारिश कहाँ होती है चुनानचे करीब में ही बादल ने बारिश बरसाया और वहाँ पर एक गड्ढा था उसमें पानी इकट्ठा हुआ और फिर वो पानी एक नाली के सहारे से एक जगह पर जाने लगा वो जो आदमी था उसने नाली की इतबा की और उसके सहारे में उसके साथ साथ चलता रहा फिर जब वो एक काफ़ी दूर तक गया तो उसको एक शख्स नज़र आया जो वही पानी जो उस नाली के ज़रिए से जो पानी आ रहा था उस पानी को अपने फावड़े से आ, उसमें मुडेर बना करके उसको अपने खेत में वो दाखिल कर रहा था अपने खेत की वो सिंचाई कर रहा था ये जो शख्स था इसने जा कर के उस आदमी से पूछा जो अपने खेत में काम कर रहा था कि आपका नाम क्या है तो उसने अपना नाम जब बताया तो ये बहुत ताज्जुब का शिकार हो गया क्योंकि ये वही नाम था जो नाम उसने अभी बादल में सुना था कि बादल को कहा जा रहा था कि इसके हदीक़त फ़ुलान की फ़लाँ के बाग को जा करके सैराब करो चुनाच तो उसने पूछा कि आप करते क्या हो आप ऐसा क्या काम करते हो तो उसने कहा कि क्यों आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं और आपने आते ही मेरा नाम पूछा क्यों आपने मेरा नाम पूछा तो उसने पूरा माजरा सुनाया कि मैं फ़लाँ जगह पर खड़ा था और बादल को कोई शख्स हुक्म दे रहा था कि जा कर के उसके ज़मीन को और उसके बाग़ को सैराब करो आप ऐसा क्या अमल करते हैं और आपने वही नाम बताया जो नाम मैंने बादल में सुना था तो आप ऐसा क्या काम करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह सुबहान तला ने बादल को हुक्म दिया कि वह आपके बाग़ को जा कर के सैराब करें तो उस शख़्स ने कहा कि देखो मैं कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा इबादतें भी नहीं करता हूँ हाँ सिर्फ ये करता हूँ कि जब मेरे आ, मेरे खेत में पैदावार होती है और गल्ले निकलते हैं तो मैं उसको तीन हिस्सों में तकसीम करता हूँ एक हिस्सा मैं उसी खेत के लिए बाकी रख देता हूँ यानी दोबारा खेती करने के लिए मैं एक हिस्से से दोबारा बीज खरीदता हूँ और उसके लिए ज़रूरत के जो सामान होते हैं मैं उस पैसे से उतना हिस्सा ख़रीदता हूँ दूसरा जो हिस्सा है मेरे गलों के पैदावार का वो पैदावार का एक हिस्सा मैं अपने घर वालों के ऊपर ख़र्च करता हूँ अपने घर की ज़रूरत पूरी करता हूँ और तीसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा मैं अल्लाह व ताली की राह में खर्च कर देता हूँ यानी वन थर्ड एक तिहाई हिस्सा वो अल्लाह सुबहान ताली की राह में ख़र्च कर देता था तो नबी आ सलाम ने बयान फरमाया कि जब कोई शख्स इस तरह से अल्लाह रब्लिन के राह में खर्च करता है तो अल्लाह सुबहान गैब से उसकी मदद करता है उसकी दुनिया भी आसान कर देता है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत तो आसान है ही तो लिहाजा ख़र्च करने को एक आदत बनाएँ अल्लाह रब्लबीन ने रोज़ी में से भी रिस्क में से भी ख़र्च करने का हुक्म दिया और गलों और पैदावार में से भी ख़र्च करने का हुक्म दिया और आखिर में अल्ला सुबहान तैाली ने शायद में क्या बयान फ़रमाया वालमल्ला ईमीद और ये बात याद रखो कि अल्लाह सुबहाना तैाल बे न्यायाज़ है और काबिल तारीफ़ है अगर अल्लाह ती आपसे ये कह रहा है कि ख़र्च करो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह फ़कीर है जैसा कि बाज़ काफ़िरों ने कहा था कि अल्लाह सुबहाना ताल शायद फ़कीर है नाऊजबिल्लाजारिक इस वजह से वो हमसे ख़र्च करने का मुतालबा करता है हमसे कर्ज़ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी पर आयत नासिल फ़रमाई कि या कियाफ़रा ए लोगो तुम अल्लाह ताला के मोहताज हो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेनियाज है और वो काबिल तारीफ़ है उसी बात को अल्लाह ने यहाँ पर दोहराया कि जब तुमसे खर्च करने की बात कही जा रही है तो तुम्हारे जहन में ये कभी भी शुभा पैदा ना हो कि मैं अल्लाह ताला को दे रहा हूँ मैं अल्लाह ताला पर एहसान कर रहा हूँ अल्लाह ताला को मेरी ज़रूरत है अल्लाह को मेरे माल की ज़रूरत है इस तरह का एहसास तुम्हारे जहन में पैदा नहीं होना चाहिए बल्कि हमेशा ये जानते रहो कि अन्नल्लाह हमीद अल्लाह सुबह ते न्याज़ है और वो काबिल तारीफ़ है और साथ में अल्लाह रब्लम ने इस आयत के बाद एक और बात बताई कहा कि अश्शानफ़कर बिल्फाशाह शैतान जो है वह तुम्हें महताजगी से डराता है और गलत काम करने का हुक्म देता है महताजगी से डराता है यानी ख़र्च करोगे तो गरीब हो जाओगे तुम दस रुपये अगर किसी को दे दोगे तो वो दस रुपये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे उस दस रुपये से तुम्हारा काम हो सकता है तुम बच्चे के लिए चॉकलेट भी खरीद सकते हो लिहाजाई दस रुपये भी अल्लाह के नाम में खर्च मत करो तो जब भी खर्च करने जाओगे शैतान तुम्हें डराएगा महताजगी से डराएगा फ़क्रो फाक़ा से डराएगा तो लिहाजा तुम शैतान से नहीं डरना बल्कि अल्लाह सुबहान तैाली की राह में खर्च करते रहना अल्लाह अब्बालबी का हुक्म है अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह सुबहाना तैाली भी तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा तो इन दोनों आयतों का खुलासा यही है कि अल्लाह अब्लबीन ने बेफिक्र होकर के हमें अल्लाह के राह में खर्च करने का हुक्म दिया है लिहाजा हमें ख़र्च को अपनी आदत बना लेना चाहिए जैसे हम रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह से रोज़ाना कुछ ना कुछ हम खर्च करते रहें अपने इनकम का अपने मंथली जो सैलरी है उसका एक हिस्सा मुतिन करें जो अल्लाह रबालबीन के राह में ख़र्च करें इससे हमारे माश में भी आसानी पैदा होगी हमारे दुनिया के मामलों में भी आसानी पैदा होगी और अल्लाह सुबहाना ताली भी राजी होकर के आखिरत के मामले को भी आसान बनाएगा अल्लाह रबीन से मैं दुआ करता हूँ कि लामिन तो हम सबको ख़र्च करने की तोफ़ी अदाफरमा यादी आमनु के ज़रिए से जो ख़िताब है उन तमाम खिताबात की अहमियत को समझने की तोफ़ी फरमा और उसमें जिस काम को करने का हुक्म दिया गया उस काम को बजा लाने की तौफीक अता फरमा आमीन और आखर दावाना अलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें